लेकिन ये बारिश का जो मौसम आता है, हर एक ही हालात होते हैं, कभी किसी को जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है, लेकिन ये वो समस्या है कि मेयर रहते हुए मैंने इस समस्या को किया है। इस समस्या को जनवरी से टेकअप करना होता है, जनवरी से लगातार, क्योंकि जो मेयर होती है वो हर डिपार्टमेंट के लिए चेयरमैन होती है और ये सभी डिपार्टमेंट मेयर के अंदर आते हैं, तो नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों को मिलकर इसके ऊपर काम करना होता है। ज्वाइंट मीटिंग होनी चाहिए पीडब्ल्यूडी की और सबकी, लेकिन आम आदमी पार्टी को फुर्सत ही नहीं है फॉल्स एलिगेशन लगाने में, घोटाले करने में, इसीलिए आज दिल्ली को ये दिन देखना पड़ा। मैं खुद मेट्रो से आई हूँ क्योंकि हर रोड पर जाम था, अपने क्षेत्र में जाकर हमने जितनी कोशिश की, बिना बहुत बड़ी मशीनरी नहीं है हमारे पास, लेकिन सफाई कर्मचारियों को लेकर हमने खुलवाया, लेकिन ये जिम्मेवारी दिल्ली सरकार और नगर निगम में आम आदमी पार्टी है, उनको आज दिल्ली की जनता के सामने मुझे लगता है कि माफी मांगने के शब्द भी नहीं है, आज दिल्ली को जो झेलना पड़ा। देखिए एनडीएमसी हो कहीं भी हो, सबके नाले आखिर में पीडब्ल्यूडी के बड़े ड्रेन के अंदर मुड़ते हैं। 8 पीडब्ल्यूडी के ऐसी बड़ी ड्रेन है या एमसीडी के पास है जो कि पानी को कैटर करती है, अगर वो साफ नहीं है तो एनडीएमसी डीडीए कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर पीडब्ल्यूडी का काम ठीक से नहीं है, तो पीडब्ल्यूडी अगर फेल होता है तो सब अपने आप फेल हो जाता है। मैं अभी उन इलाकों से आ रहा हूँ जहाँ पे पानी का जल जमाव होने से पानी का फ्लो एनडीएमसी में भी जो नीचे पानी जाता है रुका, 45-50 मिनट तक बहुत दिक्कत हुई है एनडीएमसी क्षेत्र में भी। सवाल उठता है कि ये कोई नई घटना नहीं है, हर साल बारिश आता है तो होता है, और हम 2-2.5 महीने से जगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को कि भैया पीडब्ल्यूडी के नालों को क्लीन करो, डी सिल्ट करो, एमसीडी के नालों को, फ्लड के नालों को, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगता। आज उसके कारण करीब 40-45 मिनट दिल्ली के सांसदों को भी संसद आने में तकलीफ हुई, हमारे घर के आगे पानी लग गया। तो ये पानी हमारा जो एनडीएमसी क्षेत्र है वो एक, आप समझ लीजिए, एक टापू की तरह है जहां से पानी नीचे जाता है, वो सारे नाले जाम है, उनकी कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई है, कोई सफाई नहीं हुई है, और हम जाकर के वहां काम करा रहे हैं, एनडीएमसी के मशीन जाकर के पीडब्ल्यूडी के नाले क्लीन कर रहे हैं, और पीडब्ल्यूडी वाले, दिल्ली सरकार गायब है। अभी कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी मीटिंग करेंगे, अब जब पानी सर पे आ जाए तब आप इमरजेंसी मीटिंग होती है, ये एक निकम्मेपन की बहुत बड़ा एग्जाम्पल। सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि 1936 के बाद जून में इस तरह की बारिश हुई है। अरे वो सरासर झूठ बोलते हैं, कौन सा टाइम नहीं होता है जहां पर ऐसी बारिश होती है। 50 मिलीलीटर बारिश को आप कहते हैं कि पहले कभी ऐसी नहीं हुई, ये सरासर अपने दोस्त को दूसरों पे देने का एक कोशिश है। देखिए अभी भी समय है, जागो, आज ही इमरजेंसी मीटिंग करो, लेकिन अगली बारिश से नहीं होना चाहिए। दिल्ली में मानसून अभी आना है, लेकिन इस तरह से रहेगा तो कैसे? बड़ा दुखद है, जिनके पास 25 साल से दिल्ली की सरकार या तो कांग्रेस के पास है या तो आम आदमी पार्टी के पास, बीजेपी के पास है नहीं, सारे बजट उनके पास है, फ्लड के नाले उनके पास है, अभी तो एमसीडी भी उनके पास है, पीडब्ल्यूडी के नाले उनके पास है, सफाई करोगे, डीसील्ट करोगे, तब तो पानी ऊपर की तरफ मारने लगा।